अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको टॉप 5 ग्राफिक्स कार्ड बताने वाला हूँ जो कि आपको मार्केट में 10,000 रुपए के कॉस्ट करेंगे। ओ ये बट यार यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत से ग्राफिक कार्ड ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली 10,000 में तो कॉस्ट नहीं करते। मैंने इस वीडियो में आपको वही ग्राफिक्स कार्ड बताए जो कि 10,000 से कम में कॉस्ट करेंगे या फिर 10,000 तक, इससे ऊपर की कहानी इंशाल्लाह नहीं जाएगी। तो वीडियो पर न्यू है तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दे प्रेस और इसके अलावा कर दो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपली बात करते हैं अपने पहले ग्राफिक्स कार्ड की। बट यहाँ पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई रैंकिंग वगैरह नहीं है। जो ग्राफिक आपकी प्राइस रेंज में बैठ रहा है और आपको अवेलेबल इजिली मिल रहा है तो आप वो परचेज कर लें। पहला ग्राफिक कार्ड हमारे पास GDX 750 है जो कि GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड है। 128 बिट एंड ऑब्वियसली इट्स अ 1 GB ग्राफिक्स कार्ड। प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको अराउंड 8,000 रुपीज का देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम आपको 10,000 रुपीज तक का मिल सकता है। ये ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसकी पावर सप्लाई भी आप नॉर्मल 300 वॉट की लगा के पेयर कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट 400 वॉट की पावर सप्लाई में ही इसको लगाओ। नेक्स्ट हमारे पास GDX 650 है जो कि ग्राफिक कार्ड मैंने भी एक टाइम पे पर्सनली यूज किया हुआ है। 1 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, GDDR5 एंड 128 बिट है। इसके लिए भी पावर सप्लाई आप 300 वॉट की यूज कर सकते हैं एंड परफेक्टली वर्क करेगा। प्राइस की बात करें तो एक ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट पर अराउंड 7,000 रुपीज तक का मिल जाता है। ओवरलक्स वगैरह पे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह 6,000 रुपए तक में भी कॉस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास GDX 650 Ti है एंड ये ग्राफिक कार्ड थोड़ी सी स्पीड में ज्यादा है, बाकी स्पेक्स बिल्कुल सेम है एंड पावर सप्लाई के लिए 350 वॉट की रिक्वायर्ड है। बट स्टिल यू कैन रन इट ऑन 300 वॉट पावर सप्लाई। बट आई विल रिकमेंड इट इज अ 400 वॉट पावर सप्लाई। बाकी ग्राफिक कार्ड से कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया भाई AMD का ग्राफिक कार्ड जो कि HD 7770 है। 1 GB ग्राफिक कार्ड है, GDDR5 एंड 128 बिट है। पावर सप्लाई अगर इसके लिए ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड भी आपको अराउंड 7,000 रुपीज तक का मिल जाता है। इससे कम में अगर आप थोड़ा ढूंढने तो आपको जरूर मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर आप ढूंढने में चाहें तो क्या कुछ नहीं मिल सकता यार, तो सिर्फ एक ग्राफिक्स कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट ग्राफिक कार्ड है वो GDX 580 है। अब ये ग्राफिक कार्ड स्पेसिफिकेशन सुन के आप हैरान हो जाओगे। 1.5 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, GDDR5 है, 384 बिट का ग्राफिक्स कार्ड है। यार मतलब इसकी मेमोरी बस काफी ज्यादा है। बट इस ग्राफिक कार्ड का सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि आपको इसमें एक 6-पिन कनेक्टर और 8-पिन कनेक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है और 500 वॉट की पावर सप्लाई आपको रिक्वायर्ड है इस ग्राफिक कार्ड को पेयर करने के लिए। बट स्टिल 550 वॉट ऑफिशियली यहाँ पे कहता है और यही आपको लगानी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो यार बजट तो कम है इस ग्राफिक्स कार्ड का ऑब्वियसली, लेकिन खर्चे इतने इसके पावर सप्लाई वगैरह के तो लोग रिकमेंड नहीं करते। पावर ज्यादा कंज्यूम करते हैं इसलिए बहुत कम लोग इसको चूज करते हैं। बट स्टिल अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस ग्राफिक्स कार्ड को पेयर कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो आपको 8,000 से लेकर 10,000 के दरमियान देखने को मिल जाता है पाकिस्तानी मार्केट पर। एंड ये ग्राफिक कार्ड थोड़ा कम अवेलेबल होता है तो थोड़ा देख लेना। वरना ऊपर जो आपको 4 ग्राफिक्स कार्ड बताया उन्हीं में से बाय कर सकते हैं। तो तमाम ग्राफिक कार्ड अपने रिस्पेक्ट में बेहतर है, आपको जो पसंद आया वो सिंपली बाय कर लो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दीगर ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर रिव्यूज वीडियो बनाऊं, लाइक 5,000 वाले भी, 15,000 वाले भी, 20,000 वाले भी, यार मतलब रेंज बचते रहेगी ना यार, तो नीचे कमेंट करके बता दो और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे आगे बता सकते हैं और फॉलो भी कर देना भाई। और इसके अलावा यहाँ पर चैनल पर दीगर वीडियोस आपके सामने शो हो रही होंगी यार, क्लिक करो और देखते कौन चमाटे मार मार के वीडियो को देखेगा, मतलब लगाई दो चमाटे में तो बोल रहा हूँ आज यार।